सो हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रोजेक्ट की मैं लिंक दे दूंगा, आपको उसी प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना और फिर उसके बाद आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक करके आपको नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड कर लेंगे तो आपको इम्पोर्ट प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना और आपने वो प्रोजेक्ट जहाँ में रखा होगा आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट अब इंपोर्ट होने लगा है, पर जैसे कि हमारा इंपोर्ट हो चुका है, अब आपको क्या करना है, आपको अपना नेट ऑन रखना है। आप जब नेट ऑन रखेंगे तो आपको ऐसा कुछ डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको आगे क्या करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो जैसे कि हमारे रेस आ चुके हैं, अब आपको जहाँ रेस ख़त्म होती है उधर आके आपको बीच में एक कट लगा देना है। उसके बाद आपको ब्लैक जो स्क्रीन है उस पर क्लिक करके आपको एक्स्ट्रा ऑडियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको उस ब्लैक कलर को डिलीट कर देना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करके एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फील स्क्रीन पे क्लिक करके ऊपर फोटो ड्यूरेशन पर 3.5 कर देना है। तो अब आपको ऊपर मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी कोई भी फ़ोटो ऐड कर लेनी है। जैसे मैं कुछ चंद सी फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। अब आपको इसे लेस के साथ में कट करना है, जिसमें आपको दिखा देता हूँ। आपको ऐसा ही सेम करना है। मैं वीडियो को स्किप करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस, जब मैंने प्रोजेक्ट ऐड किया था तो हमने जो इफेक्ट डाउन किए थे ना, ये वही इफेक्ट है। सबको कॉल में डीजे और स्वीट लाइन्स के तरह के इसमें इफेक्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वीट लाइन्स पर जाके कोई भी इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो कोई भी कर सकते हैं, वरना जो मैं कर रहा हूँ आप वो भी कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको यही सेम प्रोसेस अपने फोटो के साथ करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं सभी इफेक्ट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। आप चाहे तो यही सेम इफेक्ट अपने फोटो में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम कॉल में डीजे वाले पर क्लिक करके अब इस इफेक्ट को ऐड करते हैं। अब हम इस वीडियो को सेव कर लेते हैं। अगर आपको सिर्फ होली स्टेट चाहिए तो मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे दूंगा, और अगर आपको हाउ टू मेक वीडियो चाहिए तो इसकी लिंक मैं आपको राइट हैंड साइड में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।